नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम सिंह है। मैंने कुछ समय पहले आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं डिफरेंट सोर्सेस के बारे में बात करूंगा, इंक्लूडिंग यूट्यूब वीडियोस एंड चैनल्स, जिनको देखने या पढ़ने के बाद आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिवली बाय रीडिंग दोज स्टडी मटेरियल्स एंड वॉचिंग दोज यूट्यूब वीडियोज। और मेरा ये भी मानना है कि एक एज के बाद, स्पेशली अगर आप 19 या 20 ईयर्स के हैं, तो आपका माइंड इतना डेवलप्ड हो जाता है कि यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग, अगर आप एफर्ट लगाते हो चीजों को समझने के लिए। सो यू डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल टीचर, आप खुद पढ़ के कुछ समझ सकते हो। साइंस भी ये कहता है कि इंसान का दिमाग इतना डेवलप हो जाता है बाय द एज ऑफ 19 और 20 कि वो कोई भी लर्निंग खुद सीख सकता है, उसको किसी के पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने एंड पे, और वो तो यूं भी लगाना पड़ेगा अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको आईएएस नहीं बना सकता है, यू हैव टू पुट एफर्ट। बाय दैट लॉजिक आई हैव प्रिपेयर दिस वीडियो विथ लिमिटेड सोर्सेज और लिमिटेड यूट्यूब वीडियो, जिनको देख के आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हुए। और वहां पे लाखों रुपए खर्च करने से बेहतर है कि आप खुद से स्टडी करो, आप वहां पे टाइम वेस्ट करोगे और सारे टीचर वहां पे अच्छे भी नहीं होते हैं। सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। अब इस वीडियो में मैं सिर्फ जीएस पेपर 1 के बारे में बात करूंगा। यूपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है उसमें 4 जीएस के पेपर हैं, जीएस पेपर 1 टू जीएस पेपर 4, और उसके बाद प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए जो जीएस पेपर 1 है उसमें कहां से आपको पढ़ना है उसके लिए भी एक वीडियो में बनाऊंगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं एंड वो बहुत ही रेलेवेंट होने वाले हैं आपके लिए। सो आप इस वीडियो को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कि क्या क्या कहां से आपको पढ़ना है। तो जीएस पेपर 1 का सिलेबस आप सामने रख लीजिए और आपको पता लगेगा कि इसमें ब्रॉडली 5-6 चीजें हैं। पहला है आर्ट एंड कल्चर, दूसरा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और उसमें भी सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट वाला पार्ट है, तीसरा है वर्ल्ड हिस्ट्री, चौथा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हिस्ट्री और पांचवा है इंडियन सोसाइटी, छठवां है ज्योग्राफी। सो बेसिकली ये 6 चीजें हैं जो आपके जीएस पेपर 1 में आती हैं। अब इन सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअली पहले मैं बुक्स के सोर्सेज बताऊंगा और फिर यूट्यूब चैनल के वीडियोस के बारे में भी बताऊंगा जिसको आप देख सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं इन सारे बुक्स के लिंक और साथ में ही उन यूट्यूब चैनल के वीडियोस के लिंक्स भी डालूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन देख के वहां से आप उन चैनल्स को विजिट कर सकते हो या उन बुक्स के बारे में और डिटेल में जान सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर से। सो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने सिलेबस का, बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। बट आर्ट एंड कल्चर का वेटेज थोड़ा कम है मेंस में, बट जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो थोड़े ज्यादा हैं आपको समझने के लिए, और चीजें याद भी नहीं रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप अपनी स्टडी को इस तरह से प्लान करो कि आपके प्री और मेंस दोनों में काम आ जाए। सो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ो, आप समझो उसको, ओनली देन यू हैव अ बेस ऑन विच यू कैन लर्न अबाउट आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आप लिंक नहीं कर पाओगे अगर आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री नहीं पता है। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी की बेसिक बुक जो कि 11th क्लास की है, रिटन बाय आरएस शर्मा। उसको एक बार पढ़ोगे तो आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की। इसके ऊपर आपको पढ़ना है फिर एनसीईआरटी की और बुक्स जो कि आर्ट एंड कल्चर पे लिखी गई हैं, जैसे कि 11th क्लास की एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर। देन 11th क्लास में ही एक और एनसीईआरटी की बुक है, उसका नाम है लिविंग क्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशंस इन इंडिया। ये दो बुक आपको पढ़नी है आर्ट एंड कल्चर के लिए आफ्टर यू हैव रेड योर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री बाय आरएस शर्मा। ये हो गया आपका बेसिक मटेरियल। अब इसके ऊपर आपको बिल्ड करना है तो नितिन सिंघानिया की एक बुक है आर्ट एंड कल्चर पे, उसको आप खरीद सकते हो, बट मेरा सजेशन ये है कि उसको आप रेफरेंस के लिए यूज करो। कुछ टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको पढ़ो, क्योंकि वो बहुत ही लेंथी बुक है, इट इज मोर देन 500 पेजेस। इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस बुक कम्प्लीटली, आप इसके जगह पे नितिन सिंघानिया के ही शॉर्ट नोट्स आते हैं जो कि उन्होंने बनाए थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान, उसको आप मार्केट से खरीद सकते हो, रेफर कर सकते हो, और वहां से भी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ सकते हो, अपनी जो नॉलेज है उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हो। तो ये हो गया आर्ट एंड कल्चर के स्टडी मटेरियल के बारे में। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो मेडिवल और मॉडर्न वाला पार्ट है वो आपके नितिन सिंघानिया से कवर हो जाएगा। हाँ, जब आप मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे एनसीईआरटी से तो वहां पे भी कल्चर के बहुत सारे एस्पेक्ट कवर होंगे, और जब उनको आप सब्सटेंशिएट करोगे फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स एंड नितिन सिंघानिया, उस तरह से आपका होलिस्टिक कवरेज हो जाएगा आपके आर्ट एंड कल्चर का। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा कि आप आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज्यादा टाइम मत देना, क्योंकि इसका वेटेज काफी कम है। वेटेज कम होता तब भी ठीक था, बट क्या होता है कि इसमें इतने फैक्चुअल चीजें हैं कि आप कई बार भूल जाते हो,
उनको याद रखना बहुत ही मुश्किल काम है। सो आप ट्राई करो कि आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। दैट शुड बी द बेसिक क्राइटेरिया। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप आर्ट एंड कल्चर में घुस गए और अपना एक महीना खराब कर दिया आपने। दिस शुड नॉट हैपन, क्योंकि कई बार होता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में मजा आ गया तो आप उसमें घुस जाते हो, बट आपको ऐसा नहीं करना है। यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। 10-12 डेज आर एनफ फॉर योर आर्ट एंड कल्चर। इसके अंदर ही आपको ये खत्म करना होगा। अब बात करते हैं आप YouTube पे कौन से वीडियोस देख सकते हो आर्ट एंड कल्चर के लिए। सो मेरा मानना है कि आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज्यादा YouTube वीडियोस की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपको अगर देखना है तो प्रतीक सर हैं, उनके वीडियोस पड़े हैं, शायद मृणाल सर के चैनल पे भी होंगे और अन अकेडमी के चैनल पे भी होंगे। मैं लिंक उनका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हो। दूसरे स्टडी IQ के वीडियोस भी हैं आर्ट एंड कल्चर पे, उनको भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो इससे ज्यादा आप मत देखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बना के रखे हैं YouTube पे वीडियोस, और अगर आप सारे वीडियोस को देखने लग गए तो यू विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू द बेसिक्स एंड कवर द सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली विदाउट गोइंग टू मच डीप इनटू इट, क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। प्रीलिम्स में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसको किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि देयर इज नो एंड टू इट, देयर आर सो मेनी टर्मिनोलॉजीज आइडियाज दैट आर प्रेजेंट इन आवर आर्ट एंड कल्चर। सो ये पॉसिबल नहीं होता है कई बार टू कॉम्प्रिहेंड एंड टू लर्न एंड टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू द बेसिक थिंग। बाद में आप जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है आप उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हो, बट जब आप स्टार्ट करते हो तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप बेसिक चीजों को अच्छे से कवर करो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डीप इनटू वन सब्जेक्ट ओनली। सो ये हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट आता है फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, बेसिकली मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में ज्यादा पूछा जाता है आपके GS पेपर 1 में, इन योर मेंस एग्जामिनेशन। इसमें 4-5 बुक्स हैं ब्रॉडली, पर इसमें से सारी बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा। पहला एक स्पेक्ट्रम जो सबको पता होंगी, दूसरा विपिन चंद्रा की बुक आप सबको पता है, तीसरी एक और इम्पोर्टेंट बुक है जिसको लिखा है बेल ग्रोवर ने, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इन तीनों में से कोई एक बुक आप पढ़ सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको किससे ज्यादा समझ में आ रहा है। यू कैन रेफर टू दीज बुक्स एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। मोर और लेस सेम चीजें लिखी गई हैं इन तीनों बुक्स में। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बुक है जो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है, वो है प्लासी टू पार्टीशन। ये एक महत्वपूर्ण बुक है, स्पेशली अगर आप मेंस के लिए देख रहे हो, क्योंकि ये आपके आइडियाज को डिफरेंट तरीके से शेप करती है, ये आपके आइडियाज को डिस्टिंक्ट करती है फ्रॉम अदर्स, क्योंकि बाकी सारे लोग वो सारी बुक्स पढ़ रहे हैं। पर ये बुक आपको तब पढ़नी है जब उन तीनों में से कोई एक बुक आपने अच्छे से कवर कर ली है। तो ये हो गया आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट। अब इसमें भी आप NCERT को कवर कर सकते हो, क्योंकि वो भी काफी अच्छी बुक है एंड इट विल गिव यू अ बेसिक फाउंडेशन ऑन विच यू कैन फर्दर बिल्ड। तो ये हो गए सोर्सेस की बात। अब बात करते हैं कौन से यूट्यूब चैनल हैं। अब इसमें मैं सिर्फ एक यूट्यूब चैनल आपको रिकमेंड करूंगा, और मैंने सारे वीडियोज देखे हैं इस चैनल के एंड दे आर प्रिटी गुड, यू कैन रिलाई ऑन देम। एक चैनल है फंटास्टिक फंडाज, मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको देख के अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कम्प्लीटली कवर कर सकते हो, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उनको देख लेना, क्योंकि दे आर वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, क्योंकि ना तो इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं और ना ही मेंस में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आ गए तो बहुत बड़ी बात है। अब इसके लिए एक मोटी बुक है जो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय विपिन चंद्रा, जो कि बहुत लेंदी है। आई वोंट बी रिकमेंडिंग दैट बुक टू यू अनलेस यू हैव एनफ टाइम। दूसरा है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, चाहे विजन ISO चाहे फोरम ISO, इनके नोट्स होंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पे, उसको आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको YouTube वीडियोस देखने हैं तो एक प्रधानमंत्री सीरीज करके है ABP न्यूज चैनल की, उसको आप देख सकते हो। वो क्या करती है कि डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स के थ्रू पूरे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री को आपको समझाती है, तो यू कैन रेफर दैट ऑल्सो। अब बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री भी बहुत लेंदी है, देर आर सो मेनी बुक्स, और आपको पता है कि जब इंडियन हिस्ट्री इतनी बड़ी हो सकती है तो वर्ल्ड हिस्ट्री का बड़ा होना जायज है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखो, क्योंकि ये भी ना प्रीलिम्स में आती है और मेंस में भी एक या दो क्वेश्चन इससे आते हैं, और कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि किसी को नहीं आते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपना एफर्ट और टाइम अकॉर्डिंगली डिसाइड करो फॉर दिस सब्जेक्ट। तो इसमें भी आप किसी भी रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के शॉर्ट नोट्स ले सकते हो, चाहे वो विजन के हो या फिर फोरम IAS के हो। YouTube वीडियोस में आप प्रतीक सर के वीडियोस देख सकते हो, जो कि मृणाल सर के चैनल पे भी पड़े हैं और शायद अनअकैडमी के चैनल पे भी पड़े हैं, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हो। इंडिविजुअल इवेंट कोई आपको समझना है तो उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, UPSC डाल के लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस दिख जाएंगे, वहां से आप कोई इंडिविजुअल इवेंट है, जैसे आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में समझना है तो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन डालो और बाद में UPSC डाल दो,
तो आपको रिलेवेंट वीडियोस आ जाएंगे, वहां से आप उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट को समझ सकते हो। तो इस तरह से आप अपने वर्ल्ड हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे कि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें टाइमली। नेक्स्ट हमारा है सोसाइटी। सोसाइटी भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मेंस में ही इससे क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए भी आपको अपना एफर्ट लिमिटेड रखना होगा, बहुत ज्यादा एफर्ट आपको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट और कई बार जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 से भी लिंक करके इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू कवर योर बेसिक्स एंड देन ट्राई इंटरलिंकिंग थिंग। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करोगे एंड आई विल हेल्प यू इन दैट, तब आपको ध्यान देना है कि जब आप जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के क्वेश्चन लिख रहे हो तो यू शुड हैव अ कीवर्ड्स दैट रिप्रेजेंट कि ये सोसाइटी का ही आंसर है। आप जीएस पेपर 3 या जीएस पेपर 2 के कीवर्ड्स ज्यादा नहीं यूज करोगे एंड वाइस वर्सा इन जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3। सो उसकी बात हम कभी और करेंगे। अभी बात करते हैं कि सोर्सेस क्या क्या रेफर करने हैं आपको। तो इसमें भी 11th एंड 12th की एनसीआरटी बुक है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, 2-3 बार पढ़िए आप उसमें और यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर सोसाइटी। उसके ऊपर आप एक और बुक ले सकते हो, वह है राम आहूजा की इंडियन सोसाइटी, उसको भी आप पढ़ सकते हो। तीसरा है कि अगर आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, यू कैन ऑल्सो रेफर टू सम कोचिंग नोट्स जो कि किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं, स्पेशली हु आर फेमस फॉर क्रिएटिंग गुड कंटेंट। अब बात करते हैं कि यूट्यूब चैनल कौन सा है इसके लिए। तो एक बहुत ही बढ़िया टीचर है, आई बिलीव मैंने उनके बहुत सारे वीडियोज देखे हैं, शी इज प्रीटी गुड, हर नेम इज स्मृति शाह। वो विजन आईएएस में पढ़ाती हैं और वो एसए की प्रिपरेशन भी कराती हैं, वो सोसाइटी के लिए भी पढ़ाती हैं और कई सारे सब्जेक्ट्स में वो डील करती हैं। उनके ही सोसाइटी के वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब चैनल पे, उनका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, आपकी सोसाइटी अच्छे से कवर हो जाएगी। और सोसाइटी में कुछ इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं जैसे ग्लोबलाइजेशन है, इन टॉपिक्स के लिए आप इंडिविजुअली भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे यूपीएससी लास्ट में लगा के, उस पे आपको कुछ कंटेंट मिल जाएगा। तो ये हो गए आपके सोसाइटी के सोर्सेज, बोथ यूट्यूब चैनल और स्टडी मटेरियल्स। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में जो कि ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो ज्योग्राफी में 11th 12th की एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी है, आपको उसको रेफर करना ही चाहिए और यू कैन नॉट मिस इट। आपको उसको बार बार रेफर करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से आते हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू कवर देम कॉम्प्रिहेंसिवली। उसके बाद पीएमएफ आईएएस के नोट्स बहुत अच्छे बने हैं, उनको आप उनकी वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। फिर और कुछ सोर्सेस हैं जैसे कि जीसी लियोंग, एक बुक है, ओनली 180 पेजेस बुक, पर इतना कंटेंट रिच है वो बुक कि उसको अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी एंड यू हैव टू रीड इट ट्वाइस और थ्राइस। एक बार आपने उसको अच्छे से कवर कर लिया तो दोबारा उसका रिवीजन आप 1-2 दिन में कर सकते हो, उसको आपको पढ़ना इज अ मस्ट। और एक और टॉपिक बच जाता है जीएस पेपर 1 में, वो है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कई बार चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन न्यू डिस्कवरीज, तो उसके लिए आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के करंट वाले नोट्स को पढ़ना पड़ेगा। हर रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ नोट्स बना के देती है आपको लास्ट में मेंस के लिए, वहां से आप उसको रेफर कर सकते हो, बट शुरू में आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। अब YouTube वीडियोस की बात करते हैं तो इसमें दो चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मृणाल सर के YouTube चैनल पे एक ज्योग्राफी का सेक्शन है जिसमें आई थिंक 60+ वीडियोज हैं, उनको आप वॉच करके अपनी ज्योग्राफी जीएस पेपर के लिए अच्छे से कवर कर सकते हो। और वहां से जब आपका बेसिक कवरेज हो जाए तो उसके बाद एक अमित सेन गुप्ता सर का चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वो मोस्टली ज्योग्राफी के बारे में ही वीडियो बनाते हैं, वहां से आप इंडिविजुअल टॉपिक्स को और अच्छे से समझ सकते हो, कुछ और आपके डाउट्स हैं तो वो भी वहां पे क्लियर हो जाएंगे। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो बाई पुटिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक फॉलोड बाई द नेम ऑफ टीचर दैट इज अमित सेन गुप्ता, तो वहां से आपके ज्योग्राफी अच्छे से कवर हो जाएगी। सो इन सोर्सेज को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपका जीएस पेपर 1 बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन कमेंट बिलो दिस वीडियो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर डाउट एज सून एज पॉसिबल। और अगर आप यहां तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में ही मैं और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आऊंगा जैसे कि जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं और कौन कौन से यूट्यूब चैनल हैं जिनको आप देख के अपनी पूरी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, उनके वीडियोज आपको जल्दी ही मिलेंगे आपके इस चैनल। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल।